तो अगर तुम्हें नहीं पता तो आज सुबह ही सिनेमा कॉन का इवेंट हुआ था और इसमें कई मूवीज स्टूडियोस अपने मूवीज का अनाउंसमेंट कर दी हैं और इसके अंदर सोनी का भी पैनल था जिसमें सबको ये उम्मीद थी कि इसमें हमें स्पाइडरमैन 4, वेनम 3, मैड वेब जैसे मूवीज रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस इवेंट में सोनी ने क्रेविन द हंटर मूवी के बारे में बताया कि ये मूवी कैसी होने वाली है और इस मूवी से रिलेटेड अभी काफी सारे अपडेट्स भी आए हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो अपडेट है इस मूवी के बारे में वो है कि ये मूवी आर रेटेड होने वाली है, मतलब कि इस मूवी के अंदर बहुत सारे खून खराबे होने वाले हैं जो कि हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि डेडपूल और लोगन मूवी थी। और ये सोनी की पहली मूवी होगी जो कि आर रेटेड होने वाली है और जिसने भी इस मूवी का टीजर कॉमिक कॉन में देखा है उनका ऐसा कहना है कि इसके टीजर में हमें ऐसे ही कई आर रेटेड सीन्स को भी दिखाया गया है जो कि दिखने में काफी ज्यादा औसम है। इसके अलावा इस मूवी के विलन के बारे में बताया गया है कि इसमें हमें रैनो को एज ए विलन दिखाया जाएगा, मतलब कि इस मूवी में जो विलन होगा वो अपने आप को रैनो में बदल लेगा। लेकिन ये रैनो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाला नहीं है, ये एकदम से अलग ही होने वाला है जो कि इस मूवी में देखने को मिलेगा। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का जो रैनो था वो एक रोबोट वाला रैनो था, लेकिन इस मूवी में हमें एक्चुअल रैनो को दिखाया जाएगा जैसा कि कॉमिक में होता है। इस मूवी में रैनो को अपना क्रेविन द हंटर ही रोकने वाला है और शायद से आगे चल के क्रेविन द हंटर भी स्पाइडरमैन का पार्ट बन जाए, क्योंकि क्रेविन द हंटर भी स्पाइडरमैन का काफी पॉपुलर विलन में से एक है जिसके ऊपर हमें ये मूवी देखने को मिलेगा। तो शायद से आगे चल के क्रेविन द हंटर भी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है। तो ये कुछ ऐसे डिटेल्स थे जो कि कॉमिक कॉन के अंदर क्रेविन द हंटर मूवी के बारे में बताया गया। बाकी इस मूवी से रिलेटेड अगर फ्यूचर में कुछ भी अपडेट आता है तो मैं तुम्हें जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे तुम इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड हो और तुम्हें इस मूवी के बारे में क्या लगता है ये कमेंट में जरूर बताना। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो और अगर तुम इस चैनल पे गलती से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। टिल देन गुड बाय।